क्वीन विक्टोरिया जी का फेवरेट पियानो, और ये गन पहला ओल्ड वार में यूज किया गया था, इसका ये प्रोटोटाइप है। तो ये बहुत सेंसिटिव एरिया है और यहाँ पर कैमरा करना मना है, तो मैं यहीं तक आपको दिखा सकता हूँ। उधर है रेड लाइट एरिया, बहुत डेंजर एरिया। टिकट काट चुके हैं, मेट्रो का टिकट इस टाइप का रहता है, देख सकते हो 10 रुपया लिया एक टिकट का। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, आप सबको फिर से एक न्यू ब्लॉग पे स्वागत है। आज हम लोग का कोलकाता में सेकेंड डे है और आज हम लोग का ट्रेन भी नहीं है, सब कुछ ट्रेन यहाँ से कैंसिल है। तो आज हम लोग सोच रहे हैं कोलकाता में पूरा जितना भी टूरिस्ट जगह है सब में घूमेंगे और आपको भी दिखाएंगे कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, कैसा कैसा जगह है। तो बने रहिए ब्लॉग में और चलो हम लोग साथ में चलते हैं। अभी चेकआउट का समय हो गया तो सबको निकल रहे हैं होटल से, और ये होटल जितना अंदर से सुंदर दिखाई दे रहा है बाहर से उतना ही सड़ेला दिखता है। और बाकी रहा ये होटल का सर्विस, तो होटल का सर्विस बहुत ही अच्छा लगा, प्राइस भी ठीक ठाक था, बस आईपीएल का सीजन में थोड़ा ज़्यादा रेट रहता है रूम का। फाइनली हम लोग अभी चेकआउट कर चुके हैं और ये हम लोग का होटल बहुत ही पुराना होटल है। ये है कोलकाता का म्यूनसिपल ऑफिस, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोलकाता का, बहुत ही पुराना बिल्डिंग है। यहाँ पर देख रहे हो हम लोग जो यहाँ पर थे, यहाँ का होटल ये है, ये हम लोग का होटल, इतना पुराना, कम से कम 100-150 साल पुराना होटल है। होटल का नाम है रौनक। तो चलो चलते हैं, आपको आज कोलकाता शेयर करेंगे, घूमेंगे, देखेंगे, आप बने रहे ब्लॉग में। और हम लोग जहाँ रुके थे वो जगह का नाम है धर्मताला, सामने म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन का ऑफिस है और यहीं पर अच्छा अच्छा प्राइस में रूम मिलता है और बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, देख के मजा ही आ जाता है यहाँ का, जो बड़ा बड़ा पुराना पुराना बिल्डिंग है एकदम। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन, चलो आपको दिखाते हैं मेट्रो यहाँ नीचे में चलता है, जो रास्ता दिख रहा है ना इसका नीचे मेट्रो स्टेशन है। तो इस स्टेशन का नाम है स्प्लैनेट और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं ग्रीस पार्क। और जैसे स्टेशन पहुँचोगे तो यहाँ पर थोड़ा छोटा बहुत मार्केट लगता है। मेट्रो में अंदर आ चुके हैं, अंडरग्राउंड, ऊपर में रास्ता, ऊपर में गाड़ी जा रहा है और नीचे अंडरग्राउंड है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, कम से कम 60 फुट गहरा का नीचे में ट्रेन चलता है यहाँ पर, पता है, देख लो। तो जैसे प्लेटफॉर्म में पहुंच जाएंगे आपको दिख जाएगा एक काउंटर, वहां पर टिकट काट लेते हैं। टिकट काट चुके हैं, मेट्रो का टिकट इस टाइप का रहता है, देख सकते हो 10 रुपया लिया एक टिकट का। तो इधर एक ट्रैक है और इधर एक ट्रैक है, दो ट्रेन एनी टाइम चलता है। तो फाइनली अभी एक ट्रेन हम लोग का आ गया, इसी ट्रेन में हम लोग को जाना है ग्रीस पार्क। तो दिखाएंगे आपको ग्रीस पार्क में क्या है। ग्रीस पार्क में ज़्यादा लौंडा लोग जाते हैं और यहाँ का मेट्रो बहुत लेट तक रुकता नहीं है, 1 मिनट से कम का समय तक रुकता है और स्पीड से भाग जाता है, तो फटाफट चढ़ना पड़ता है यहाँ पर। और हाँ, मेट्रो में यंग लौंडा लौंडी के लिए बैठने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ सब जगह सिर्फ सीनियर सिटीजनशिप के लिए ही जगह रहता है। हाँ, अगर कोई सीनियर सिटीजनशिप अगर आया नहीं होगा तो आप बैठ सकते हो, लेकिन जैसे वो आए तो आपको उठना पड़ेगा। और यंग लौंडा लौंडी के लिए बस ऊपर में हैंगर है, हैंगर को पकड़ के खड़ा होकर जाना पड़ता है, ऐसा है। 4 किलोमीटर पहुंचने में 2 मिनट भी नहीं लगा, तो समझ सकते हो कितना स्पीड चलता है यहाँ का मेट्रो। तो चलो यहाँ से निकलते हैं, पहुँच चुके हैं हम लोग फाइनली अभी ग्रीस पार्क और दिखाएंगे यहाँ का नज़ारा, कुछ दिखाएंगे आपको। अभी मेट्रो से निकल चुके हैं और देखिए बाहर एक नज़ारा। तो ये बहुत सेंसिटिव एरिया है और यहाँ पर कैमरा करना मना है, तो मैं यहीं तक आपको दिखा सकता हूँ। उधर है रेड लाइट एरिया, बहुत डेंजर एरिया। तो कुछ देर बाद घूम के हम लोग फिर से ग्रीस पार्क मेट्रो स्टेशन में आ गए और अभी जा रहे हैं दक्षिणेश्वर टेम्पल। और हम लोग टैक्सी से भी जा सकते थे, लेकिन टैक्सी में इतना गर्मी में कौन जाएगा, जो कि हम लोग का 30 रुपया दे के ग्रीस पार्क से दक्षिणेश्वर टेम्पल पहुँच सकते हैं, वो भी AC में। तो इसीलिए हम लोग सबको डिसाइड किए AC में जाएंगे और मेट्रो से जाएंगे। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशन, ये है दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशन और यहीं से हम लोग को पैदल जाना पड़ेगा दक्षिणेश्वर टेम्पल। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दक्षिणेश्वर टेम्पल जाने वाले रोड में, इधर पीछे स्टेशन है मेट्रो स्टेशन और इधर से गुजर के जाएंगे अभी टेम्पल, यहाँ का फेमस टेम्पल है काली टेम्पल। तो चलिए देखते हैं। अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं यहाँ पर दक्षिणेश्वर टेम्पल के अंदर में, तो कुछ ऐसा नजारा है। दक्षिणेश्वर काली टेम्पल
सबसे फेमस टूरिस्ट जगह में से एक है दक्षिणेश्वर टेम्पल। बहुत टूरिस्ट यहाँ आते हैं, घूमते हैं और पूजा करते हैं। और ये माँ काली जी का फेमस टेम्पल में से एक है, कलकत्ता का सबसे फेमस टेम्पल में से एक है माँ काली जी का। तो आप भी कलकत्ता आ रहे हो तो ये जगह आना मत भूलिएगा। और कोलकाता शहर इतना बड़ा है और यहाँ का हर एक टूरिस्ट प्लेस आप एक दिन में घूम के ख़त्म नहीं कर सकते। इसके लिए आपको बहुत अच्छा से प्लानिंग करना होगा कहाँ कहाँ जाना है। तो हम लोग यहाँ पर घूम के ख़त्म किए और अभी जा रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल। और विक्टोरिया मेमोरियल डेली 10 बजे से 5 बजे तक खुला रहता है और उसका टिकट का प्राइस है 30 रुपया। पहुँच चुके हैं विक्टोरिया मेमोरियल में, एक बहुत पुराना म्यूजियम है। चलो चलते हैं अंदर और क्या क्या है अंग्रेज ज़माने का दिखाएंगे आपको भी, बने रहिए ब्लॉग में। और ये महल का हाइट है 184 फुट और चौड़ाई है 338 फुट, मतलब कितना बड़ा है समझो। और इसको बनाया गया था 1906 से 1921 के बीच में। और आप जैसे घुसोगे यहाँ एक ऐसे सुकून मिलता है ना, इतना बड़ा महल देख के आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। और ये सब पुराने ज़माने की तस्वीर है जिस समय ये विक्टोरिया मेमोरियल बन रहा था, देख लो इतना ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर सब है। कहा जाता है इसको बनाया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, जब विक्टोरिया क्वीन का मौत हो गई उसका याद में इस महल को बनाया गया था। अंग्रेज जमाने का गवर्नर उस समय थे लॉर्ड कर्जन, उनके द्वारा इस महल का नींव रखा गया था, ऐसा विकिपीडिया में लिखा है। और ये गन पहला ओल्ड वार में यूज किया गया था, इसका ये प्रोटोटाइप है। और ये है तात्या टोपे जी का जैकेट। और तात्या टोपे कौन है आपको बता दूं, रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिल के अंग्रेजों के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़े थे, उन्हीं का जैकेट है। इतना पुराना जैकेट इस म्यूजियम में रखा हुआ है आज तक संभाल के। आगे और भी बहुत चीज आपको दिखाऊंगा, बने रहिए इस वीडियो में। और यहाँ का पेंटिंग सब देख के तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, इतना बड़ा बड़ा पेंटिंग और बहुत पुराना पुराना पेंटिंग है। और ये क्या यंत्र है मुझे पता नहीं चला, मैं देखा इसको कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन कुछ पुराना जमाने का यंत्र है ये भी। और ये है विक्टोरिया मेमोरियल का प्रोटोटाइप और बाहर से पूरा सेम टू सेम ऐसा है पूरा बिल्कुल। और यहाँ पर कलर पेंटिंग कुछ यूज नहीं किया गया है बाहर में, ओनली फॉर मार्बल, पूरा सफ़ेद मार्बल लगा हुआ है चारों तरफ। है क्वीन विक्टोरिया जी का फेवरेट पियानो, तो बचपन में उपहार में दिया गया था ऐसा बोला जाता है। तो ये है उनका फेवरेट पियानो, आज तक रखा गया है यहाँ पर। और ये भी ब्रिटिशर का ही नाव है, इसको भी रखा गया है प्रोटोटाइप इस म्यूजियम में, देख सकते हो बहुत मस्त दिख रहा है। तो फाइनली हम लोग विक्टोरिया मेमोरियल पूरा घूमे और अभी समय हो गया निकलने का। और जैसे ही 5 बजने वाला होगा पूरा सब तरफ सिक्योरिटी सब सिटी मार के सबको निकलने के लिए बोलते हैं। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप कलकत्ता आ रहे हो तो विक्टोरिया मेमोरियल आने के लिए मत भूलिएगा, ये बहुत खूबसूरत जगह है। तो गाइस ये था विक्टोरिया मेमोरियल म्यूजियम। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हावड़ा, हावड़ा में रूम लिए हैं, टैक्सी पकड़ के जाएंगे हावड़ा। विक्टोरिया मेमोरियल से हावड़ा स्टेशन जाने के लिए 200 रुपये पड़ता है टैक्सी में। तो ये है ईडन गार्डन स्टेडियम, कल क्रिकेट था तो शोर शराबा था, लाइट था, आज क्रिकेट नहीं है तो लाइट बंद है, सब कुछ सन्नाटा है। ये है हम लोग का ईडन गार्डन स्टेडियम, कल यहीं पर हम लोग क्रिकेट देखे। पहुंच चुके हैं हावड़ा ब्रिज, तो हावड़ा ब्रिज का कुछ नज़ारा आपको दिखाऊंगा यहाँ से, तो देख लीजिए कि सामने से कैसे दिखता है हावड़ा ब्रिज नाइट का समय में। यहाँ इस ब्रिज में एक भी खंभा नहीं है नीचे, सिर्फ उधर दो है इधर दो है, बाकी वैसे ही झूला हुआ है। तो सोचो 70-80 साल हो गया ब्रिज अभी तक खड़ा है, कितना दिमाग से बनाया है ब्रिटिश सरकार, आज तक खड़ा है जिंदा है।
फाइनली हम लोग एक होटल में पहुंच गए। होटल का नाम है द हावड़ा। और यहाँ रिसेप्शन में आके पता चला कि यहाँ बहुत सारा फिल्म शूटिंग हुआ है। अभी न्यू फिल्म भी शूटिंग हुआ है यहाँ पर, चंगेज, जो कि 21 तारीख रिलीज हो रहा है सलमान खान का मूवी के साथ। चंगेज फिल्म में वो भी शूटिंग हुआ है, तो आपको दिखा दूंगा क्या क्या पिक्चर लगा है, बोर्ड पर लगा हुआ है वहाँ पर रिसेप्शन में। तो मज़ा आया यहाँ पर आके। और आज तक जितना भी यहाँ पिक्चर बना है सब पिक्चर का यहाँ पर पोस्टर लगा है। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन सबको यहाँ पर आके शूटिंग करके गया है। युवा मूवी भी यहाँ पर शूट हुआ है, फिर चिरंजीवी, नागार्जुन, बहुत सारे पिक्चर यहाँ पर शूट हुए, सबका तस्वीर लगा हुआ है, देख के अच्छा लगा। तो नेक्स्ट डे सुबह हम लोग स्टेशन पहुँच गए और आज हम लोग जा रहे हैं घर। फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और ट्रेन छूट गया है। गाइस आज का ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर किसी दिन किसी न्यू ब्लॉग पे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो।